दोस्तों नमस्कार, जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरु भगवान, जय माता। मैं नीरज मिश्रा फिर आज आपके साथ अपने शुभ विचार शेयर करना चाहता हूं कि जैसे मैं हर घर के बड़े भाइयों, बहन, माताओं, बेटियों को और उन वृद्धजनों को कहना चाहता हूं कि जो आज का दिन है 31 दिसंबर, आज के दिन आप पार्टी ना करके सिर्फ भगवान के पास बैठ के आप अपना आधा घंटा, एक घंटा भजन कीर्तन में बिताइए ताकि आपका जीवन और सुंदर आनंदित बने। क्योंकि कल से एक नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और ये नव वर्ष 31 वगैरह ये हमारा संस्कृति का नहीं है। हमारा नव वर्ष बैसाखी से स्टार्ट होता है और आप लोगों से मैं यही विनती और निवेदन करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भाव, परमात्मा, मानव सेवा, देव सेवा है, इसी को करके अपने जीवन को आनंदित जिए, ना कि घर में अपने बच्चों को भी समझाइए, इधर उधर जाके गलत संगत में ना पड़ के अपना समय बर्बाद करें और ना ही माता पिता को कष्ट में डालें, ताकि वो अपने जीवन को आनंदित करेंगे। हमारे घर के संस्कारों से ही हमारे बच्चों को नई सीख मिलती है और मैं उन माताओं बहनों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को सीख दीजिए और खुद भी समझिए कि हमारा आखिर जीवन है क्या, हम यहाँ पे आए किस लिए और हमें क्या करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, चंद्र चीज़ों के लालच में अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। इसके साथ में आप अपनी गतिविधियों, अपनी विचारधाराओं को, मानसिकता को बदलिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने गृहस्थ आश्रम के साथ साथ उस परम पिता परमेश्वर को दीजिए, उस माता पिता को दीजिए जिसने आपके इस जीवन को इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में ला के छोड़ा है। यही आज का मेरा शुभ विचार है। आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, मगर शुभकामनाओं के साथ में कल की सुबह उठते ही पहले आपको परमपिता परमेश्वर का स्मरण करके ही सुबह की शुरुआत करनी है। उससे पहले किसी से भी नहीं मिलना है, किसी का मुख नहीं देखना है, किसी से बात नहीं। प्रथम जो हमारी दृष्टि है मेरी माँ धरती माता के चरणों में पड़े, दूसरी दृष्टि हमारी जन्म देने वाली माता के चरणों पड़े और तीसरी दृष्टि हमारे गुरु भगवान के चरणों में और चौथी दृष्टि जो पड़े वो हमारे परमपिता परमेश्वर का, जिसका त्रिभुवन उसी का बनाया हुआ है। इसी के साथ मैं अपने विचार को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा आगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरु भगवान।